नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सत्यम मोटर्स पे और जिस गाड़ी के बारे में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ वो अपने स्विफ्ट डिज़ायर VXI मॉडल। तो ये सेकंड बेस मॉडल है। तो इस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं सारी डिटेल आज कवर करने वाले हैं। तो भाई लास्ट तक बने रहना, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलते रहे। दोस्तों, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेड कलर है भाई, आप देख पा रहे हैं, तो फ्रंट में भाई ये जो इसका फ्रंट हेडलैम्प है ये आपको मिलता है हैलोजन, और यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर मिल जाता है जो कि अपने बल्ब वाले रहेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ आप साइड में देखेंगे तो पूरा जो क्रोम की लाइनिंग है दी हुई है, और फॉग लैंप पे जो कवरिंग उस पर भी आपको फॉग लैंप पे क्रोम मिल जाता है। सेंटर ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रोम दिया हुआ है, और सुजुकी का लोगो मिल जाता है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों साइड में। तो साइड प्रोफाइल की अगर अपन बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस टाइप की प्रोफाइल। व्हील कवर के साथ आपको इसमें टायर मिलता है, और टायर प्रोफाइल की अगर अपन बात करेंगे तो 165x80 R14 इंचज़ के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ये भाई इसका पूरा साइड लुक आप ले लीजिए। इधर आप देखेंगे तो भाई टर्न इंडिकेटर आपको इसके साइड मिरर पे ही मिल जाते हैं, और अभी इस गाड़ी में भाई कम से कम 30 से 40 हज़ार की एसेसरी लगी हुई है, जिसमें कि अपने ये क्रोम के डोर लाइनिंग और डोर हैंडल्स और ये आप रेन वाइजर वगैरह देख रहे हैं। अंदर भी एसेसरीज लगी हैं, वो भी अपन अंदर चल के देखेंगे। तो ये कुछ भाई इस टाइप का लुक रहेगा इसका। और डोर्स के हैंडल्स की अगर हम बात करें तो बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं इसमें आपको, इस पर भी जो है क्रोम लगा हुआ है, क्रोम लाइनिंग इसमें भी लगी हुई है। और भाई ये रहा इसका पीछे का पूरा व्यू, और यहाँ से आपको मिल जाती है फ्यूल फिलिंग की ऑप्शन। तो ये जो है पेट्रोल मॉडल है भाई, तो इसमें आपको CNG नहीं, सिर्फ पेट्रोल, प्योर पेट्रोल जो है गाड़ी दी हुई है। ऊपर आपको रूफ पे एंटीना मिल जाता है, और रियर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइज़र, और वाइज़र तो सेडन में आता नहीं है, इसमें डिफॉगर आपको नहीं मिलता है। इसके ऊपर वाले में भी इसके ZXI मॉडल में आपको डिफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैम्प मिलता है, और ये रहा भाई पीछे से कुछ इसका व्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रोम लाइनिंग है ये इसकी हर मॉडल में आती है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा। और पीछे के टेल लैम्प की बात करें तो ये आपको मिल जाते हैं LED वाले, तो ये भी अपन ऑन करके देखेंगे। इधर आप देखेंगे तो चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और ये जो कैमरा है ये आपका एसेसरी का पार्ट है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, और भाई कुछ ऐसा व्यू आता है पीछे से, मैं बूट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा इसका बूट, तो बूट स्पेस भी भाई अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है। आपको लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ भाई, ये देखो। और ऊपर भी आपको लगेज लैम्प मिल जाता है येलो कलर का, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये पार्सल ट्रे इसमें लगी हुई है। और इसके नीचे आपका भाई स्पेयर व्हील और सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो भाई ये पूरा साइड व्यू आप ले लीजिए। अब चलते हैं भाई कार के इंटीरियर में। उससे पहले मैं आपको इसका बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बोनेट होगा आपको ना यहाँ से ओपन, तो भाई ये रहा इसका इंजन, और 1.2 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलता है। और इसके अगर माइलेज की बात करें तो भाई 23.26 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो भाई ये इसका पूरा देख लीजिए फिट एंड फिनिश। पावर की बात करें भाई तो 89 BHP की ये पावर प्रोड्यूस करती है, और टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का इस गाड़ी से आपको टॉर्क मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो यहाँ से आपका जो वॉशर फ्लूड है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बैटरी और पूरा कंपार्टमेंट दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। बाकी नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी कवरिंग मिल जाती है आपको, ये चीज़ आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, चलते हैं अब इंटीरियर में, और देखिए भाई कुछ इस टाइप के टू कीज़ इसमें आपको मिलती है जो कि रहेगी रिमोट वाली। और जैसे ही भाई इसका आप डोर खोलते हैं तो ड्यूल टोन में आपको इसका डोर मिलता है बेज और ब्लैक में। और इधर आप देखेंगे तो भाई चारों पावर विंडो मिलती है। अभी की इंसर्ट कर देते हैं अपन, और ये वाली भाई ऑटो डाउन के साथ आपको मिलेगी, ऑटो अप नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से इसमें। और आपके साइड में यहीं से फोल्ड हो जाएंगे, फोल्डेबल रहेंगे ये, और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जो रहेगा आपका जो साइड मिरर से आप इसको कर सकते हैं पूरा कंट्रोल।
अब भाई ड्राइवर साइड की सीट की बात करेंगे अपन, तो ये रहेगी अपनी हाइट एडजस्टेबल, और ये अपना लंबर एडजस्टमेंट ये भी आप कर सकते हैं। और अब चलते हैं भाई अंदर, तो अंदर देखेंगे भाई, तो इधर से आपको मिल जाता है ऑटो ऑफ की टेक्नोलॉजी, और उसके साथ आप देखें तो हेडलैम्प लेवलर है आपको यहाँ पे मिल जाता है। और भाई चलो गेट बंद कर लेते हैं, तो भाई ये आ गया अपन इसके इंटीरियर में। और स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे भाई, तो कुछ इस टाइप का इसका स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको मोड और वॉल्यूम अप डाउन और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इसके MID की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर और राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है। सेंटर में आपको MID दी हुई है, जिसमें कि आपको भाई रेंज और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील इसमें दिया हुआ है, जो आपने स्विफ्ट और बलेनो में देखा होगा, तो वही इसमें पूरा इंटीरियर दिया हुआ है भाई। इसका जो इंटीरियर है जो आपको मिलता है ड्यूल टोन में, मतलब ब्लैक और बेज में, और सेंटर पे आप यहाँ पे लाइनिंग देखें तो यहाँ पे आपको वुडन फिनिश दी हुई है, जो कि भाई काफ़ी रिच और प्रीमियम फील दे रहा है इस कार के इंटीरियर को, तो जो आप देख लीजिए। सेंटर में आप देखेंगे तो भाई जो इसके ये वाला AC वेंट रहेगा, यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिलती है, और जो कॉर्नर्स वाले जो AC वेंट रहेंगे वो आपको इस कलर में मिलते हैं, बीच कलर में। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो भाई कुछ इस टाइप का म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मिलता है, जो कि आपने बलेनो डेल्टा में देखा होगा, जो मेरी कार में है, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स का पूरा सेटअप मिल जाता है, और इसमें भाई ब्लूटूथ और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। AC की बात करेंगे तो भाई मैनुअल AC दिया हुआ है, जो कि भाई कुछ इस टाइप से है। इधर आप देखेंगे तो भाई नीचे भी स्पेस दी हुई है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको देखो USB ऑक्स मिल जाता है, और 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आपको, ये आप देख सकते हैं। इधर पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये रहा भाई इसका 5 स्पीड का गियरबॉक्स, और यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिल दी हुई है, और ये रहा भाई इसका कुछ सेंटर का पूरा स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, और ये AC वेंट भी दिया, यहाँ पे आपको स्पेस दी हुई है भाई, चाहो तो अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज पे लगा दो, मतलब कनेक्ट करके। इधर आप देखेंगे भाई तो इसमें एसेसरी लगी हुई है, तो ये जो है अपनी डिस्प्ले है, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर ऑन करके दिखाऊँ, तो इस पर मैं रिवर्स गियर डालता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा रिवर्स का आ गया है, और इधर पे आपको जो है रियर व्यू मिरर दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें रियर कैमरा के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है ये। और इधर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको सेंटर में लाइट्स मिल जाती हैं, और ये इसका सनवाइज़र दिया हुआ है टिकट होल्डर के साथ। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है को ड्राइवर के लिए, और ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई अच्छा स्पेस दिया हुआ है इसमें, ये भाई इसमें इसका जो आता है कंपनी के साथ ये वो रखा हुआ है इसमें, और ये रहा भाई को ड्राइवर साइड में, और वहाँ पे एक बॉटल होल्डर वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। अब चलते हैं भाई पीछे और देखते हैं कैसा क्या स्पेस है। तो अभी देखो भाई मेरे अकॉर्डिंगली मैंने हाइट को एडजस्ट कर लिया सीट की, और आगे पीछे पूरा एडजस्टेड है। अब रियर सीट पर चलते हैं, तो रियर सीट देखेंगे भाई, तो डोर इसके कुछ इस टाइप के हैं, यहाँ भी आपको ड्यूल टोन में मिलता है, एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है, और स्पीकर के लिए स्पेस है। सीट आप देखेंगे भाई तो कुछ इस टाइप की है सीट। और हेडरूम की बात करें तो भाई बैठना ज़रा, ये देखो भाई अगर हाइट ज़्यादा है तो भाई सर बिल्कुल चिपक जाएगा ऊपर। कंफर्टेबल लग रहा है? कंफर्टेबल तो है, लेकिन भाई थोड़ा सा अगर आपकी ज़्यादा हाइट है तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो भाई बैठ जाते हैं, तो अभी ये देख लीजिए भाई ड्राइवर के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो है पूरा एडजस्टेड है, और अभी मेरे आप जो पैर देख रहे हैं भाई बिल्कुल फैल के बैठा हूँ, ये आप देख लीजिए, तो पूरा भाई अंडर थाई सपोर्ट भी एकदम बराबर है। यहाँ पे AC वेंट्स भी दिए हुए हैं, तो भाई पीछे वालों के लिए भी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, मतलब इजीली भाई आराम से। और पीछे आपको जो हेडरेस्ट रहेंगे एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और ये सेंटर में दिया हुआ है आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर, तो भाई आराम से भाई बैठ के इन्जॉय करिए, और कुछ ऐसा व्यू आता है भाई गाड़ी में पीछे बैठने से। एसेसरी की बात करें भाई तो यहाँ पर मिल जाता है भाई आपको ये सीट कवर्स, जो कि भाई यहाँ पर पॉकेट्स के साथ हैं। और इधर आप देखेंगे तो नीचे आपको पूरे मैटिंग्स वगैरह लगा के दी हुई है, और ये जो कैरियर कैमरा वाला जो पार्ट था वो भी मैंने आपसे शो किया, वो भी एसेसरी का पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपका जो क्रोम लाइनिंग है और रेन वाइजर क्रोम के साथ, ये भी एसेसरी में, और इसका ये सारी चीज़ें जो है भाई इसके एसेसरी का पार्ट है। तो भाई ये थी अपनी स्विफ्ट डिज़ायर VXI मॉडल,
और कैसा लगा भाई आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे आपने तो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी इस कार को परचेस करना है, फिर और भी डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो आप सत्यम मोटर्स पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो यहाँ पर आके आप सारी चीज़ें चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।